तो माइनक्राफ्ट में आपने यूट्यूबर्स को क्लच करते देखा तो होगा ही। इनमें से सबसे ज्यादा क्लचेज आपने ड्रीम के गेमर फ्लीट और यस मल्टीपाई के देखे ही होंगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर क्लचेज नॉर्मल होते हैं जो कि हर कोई करते ही रहता है। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 इंडियन गेमर्स के हार्डेस्ट क्लचेज, और इन क्लचेज को देख लेने के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि बेस्ट क्लचर कौन है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो क्लच आता है वो है मल्टीपाई का जंप डाउन बेस्ट ऑफ लक। मैं मारो छलांग बाहर में जाए। 3-2-1 लेट्स सी के नीचे क्या होता है। अब पोर्टल नीचे ब्रो मेरे पर मेरे वाटर बकेट। ओ आई नो आई थिंक मैं नीचे गिरो। देखो गाइस मैं एक्चुअली ऊपर से नीचे गिरो। ये वही वाली जंप है जहां पे प्रोटेक्शन 1050 लेवल के आर्मर की जरूरत थी। अगर अभी यहां पे क्लच फेल हुआ तो मेरी हेमलैंड की जर्नी वेस्ट हो जाएगी। लेट्स पॉजिटिव वाले। ओ माय गॉड आई एम सो वरीड। ओ माय गॉड तो सेकंड नंबर पर हमारे पास जो क्लच आता है वो है गेमर फ्लीट का। अगला एमएलजी जो हम लोग करने वाले हैं वो होने वाला है अभी तक का सबसे हार्डेस्ट एमएलजी जो मैं अपनी लाइफ में अटेम्प्ट कर रहा हूं। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, सच्ची में। वो का ड्रीम का बोट क्लच, लाइक लिटरली ब्रो। बहुत सारे लोग मेरे से बहुत टाइम से बोल रहे थे कि इसको करके दिखाओ करके दिखाओ। भाई आज हम लोग उसको करने वाले कैसे भी, पर मुझे पता है इस वाली में मुझे बहुत सारे ट्राइज लगने वाले हैं। सो लेट्स डू दिस, ट्राई करते हैं कि हम लोग इसको कर पाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है यार। तुमको हवा में एक बोट बना के लेके उसको प्लेस करके उसमें बैठना है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। बट लेट्स गिव इट आर ऑल, लेट्स ट्राई कि हम लोग इसको कर सके। चलो भाई इसमें बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लगने वाले, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। Yes! Yes! Oh भाई कम से कम नहीं भी तो मैंने, चलो यार ये रैंप से नीचे ही चलो भाई, मैं तो बता रहा हूँ भाई कम से कम नहीं भी तो मैंने यार 150-200 ट्राई ले लिए होंगे। मैं तो झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ भाई तुम लोगों से। तो गेमर फ्लीट के बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास जो क्लच आता है वो है टेक्नो गेमर्स का। अभी मुझे इसके अंदर पानी लाकर भरना है, उसके बाद ये एक लेक जैसी दिखेगी। और पानी भरने के लिए ना मैं ऐसे मतलब एक एक वाटर बकेट तो बैठकर यहाँ पर डालूंगा नहीं, वरना बहुत ज्यादा टाइम जाएगा पूरा लेक को भरने में। मैं क्या करूंगा, मैं जा रहा हूँ सीधा इस टाइम पर आइस बायोम, वहां से ना आइस लेकर आते हैं और आइस को मैं पिघला दूंगा लगाने के बाद, तो तुरंत पानी भर जाएगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। बस एक चैलेंज है कि क्या मैं इलाइट्रा से उड़ते उड़ते पानी इकट्ठा कर सकता हूँ। मतलब मेरे को जमीन पे लैंड नहीं होना है और पानी भी अपनी बकेट में भर लेना है। तो यानी यहाँ पर थोड़ा खाली एरिया यहाँ पर ट्राई करते, वैसे इजी चैलेंज है। मुझे बिल्कुल जरा सा नीचे जाना है और भरना ऊपर ऊपर ऊपर। नाइस, कुछ ज्यादा इजी था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाकर मैंने। तो चौथे नंबर पर हमारे पास जो क्लच आता है वो है मैकेडन का। अभी मैं करने वाला हूँ हाईएस्ट माइनक्राफ्ट एमएलजी बूम। भाई मैं 10 मिलियन ब्लॉक्स ऊपर आ गया हूँ एंड यस वाटर बकेट मेरे पास है। तो अभी जिस सदी में मैं नीचे पहुंचूंगा मुझे वहाँ पे एमएलजी करनी है। यस, अब मुझे नहीं पता मैं कब नीचे पहुंचने वाला हूँ। अभी मुझे एफ के जाना पड़ेगा लेजिट 9 घंटे बाद। हेलो गाइस आई एम बैक। अबे कोऑर्डिनेट्स देखो, अभी 48,000 ब्लॉक्स रह गए हैं। इतनी देर में तो खाना खा के आ जाऊंगा मैं। ओके सो अभी ऑलमोस्ट 3,000 ब्लॉक्स है एंड मैंने अगेन मूव कर दिया। भाई सिंपल हवा में मूव करने से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए मेरे। अब पता नहीं कहाँ पे जाके गिरूंगा मैं। खैर 500 ब्लॉक्स है। ओ आ गया नीचे, मेरे एमएलजी करने के स्थान दिख रहे हैं। सो टाइम आ गया, ये गई मेरी वाटर बकेट एंड ओ भाई कर ली। बहुत इजी है भाई ये। मैं सीरियसली वहां से ऊपर गया था एंड यहाँ पे आके गिरा, इसलिए हवा में मूव नहीं करना चाहिए। सो ये एमएलजी हो चुकी है। तो मैकेडन के बाद हमारे पास जो हार्डेस्ट क्लच मोमेंट आता है वो है ड्रीम बॉय का। भाई, इसको लावा में गिरता हूँ। गिर लाओ, नहीं गिरेगा ये, मेरे को पता है नहीं गिरेगा, ये यहीं पे रहते हैं, इन्हें सब पता है। बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, कुछ भी करके ना ड्रीम बॉय निकलना पड़ेगा। यस बेबी, ए बैठ भी, बैठ भी, आराम से, बस 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 लो। अभी आओ ना मेरे पीछे, वो देखो एक तो ऊपर से ही देख रहा था। बस सही खेल। तो नंबर 6 पर हमारे पास जो क्लच आता है वो है खतरनाक ईशान का। अरे भाई मेरे पास हाथ में बकेट ही लेना भूल गया था। मुझे
विश्वास नहीं, और मुझे पता है 99% लोगों का मेरे पे विश्वास नहीं होगा कि मैंने आग पे सही से पट्टी बांध दी थी, पर ये सच बात है और मैं लाइव पे भी करके दिखा सकता हूँ ये बात। मुझे ट्रिक समझ गई क्या कर। तो सातवें नंबर पर हमारे पास मेथ पैड का क्लच आता है। तेरे पास पानी है क्या? मैं वॉटर ट्रिक करके दिखा दूं? मैं भी कर सकता हूं, दिखाता हूं। हां ये देखा, अभी मैं फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूं। ओके, तुझसे ही सीखा है, अभी देख। 1 2 3 लेट्स गो। ओह माय, देखा। तो नंबर 8 पर हमारे पास ड्रीम का क्लच मोमेंट आता है। ओह माय गॉड, I don't think he's gonna make it. That's the part. That's he might not actually make it. He's not gonna make it. Miss. Miss. Oh! 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 Oh my gosh! Oh my gosh! ओके, तो नंबर 9 पर हमारे पास जो क्लच मोमेंट आता है वो है लाइव इंसान का। मंदिर आए हैं तो चप्पल उतार ले। रुको जरा, चप्पल उतारने तो मेरे को चप्पल उतार ली है मैंने। माथा भी टेक लो, माथा टेको। चलो okay. जितनी मैंने वीडियोस देखी है यहाँ पे खुदाई करिए और यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा कुछ और वहाँ पे वो आपको दिख गया है। अब आप क्या कीजिए, देखिए आप यहाँ तो डायरेक्ट एक एक करके नीचे जा सकते हैं, या फिर अगर आप प्रो हैं और आप ऐसा बकेट वाली वो ट्रिक कर सकते हैं तो आपको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो अब आपको मेरी तरह क्या करना है, सीधा नीचे जाना है और बकेट ट्रिक वक करी आपको दिखी नहीं हो। तो लास्ट वाले हमारे पास जो क्लच मोमेंट आता है वो है बल्कि स्टार का। राइट गाइस, तो नेक्स्ट जो इम्पॉसिबल क्लच है वो है द वार्डन डैमेज क्लच। तो बेसिकली मेरे को नीचे जंप मारना है एंड मेरे को फुल डैमेज ना लेके वार्डन का डैमेज लेके अपने आप को बचाना है। और लेट सबसे पहले जो है यहाँ पे वार्डन को थोड़ा सा साउंड वगैरह देके अट्रैक्ट करते हैं। अरे यार, ये तो मैंने फुल डैमेज किया, एक सेकेंड। ओ ये भी फुल डैमेज था। ओके आया एंड अरे यार एंड अरे नहीं 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 नहीं, अरे ये क्या हुआ, अरे भाई साहब। ओके मेरे को जो है इसको अट्रैक्ट करना है इस साइड साइड एंड डैमेज। ओह कर दिया वार्डन क्लच भाई, कर दिया। अब तो मार दे भाई, अब तो मार दे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मार दे। लेट्स गो गाइस, वी डिड इट, जस्ट डिड द इम्पॉसिबल वार्डन डैमेज क्लच, जिससे हमने जो है बेसिकली फोर डैमेज को नेगलेक्ट करा एंड थोड़ा सा डैमेज हमने लिया वार्डन को मारते हुए। लेट्स गो यार, ये क्लच भी कंप्लीट होता है। ओके, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। इन सब में से सबसे ज्यादा क्लचेस मोमेंट आपको किसका पसंद आया कमेंट में जरूर बताना, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।